चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो आज हम दो बातों के बारे में बातें करेंगे और वो दोनों बातें आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप एक केवीएस एस्पायरेंट है, ठीक है ना। सबसे पहली कि अब ये डाउट बच्चे काफी पूछ रहे हैं और ये उनके मन में चल रहा है और ये बहुत स्वाभाविक क्वेश्चन है, क्या कि सर पहले केवीएस ट्रांसफर होगा या रिक्रूटमेंट, और अगर केवीएस ट्रांसफर पहले होगा, तो रिक्रूटमेंट में डिले आएगा क्या, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है, क्या है कि केवीएस ट्रांसफर पहले होगा या फिर रिक्रूटमेंट, और अगर केवीएस ट्रांसफर पहले होगा तो क्या रिक्रूटमेंट में डिले आएगा। तो सुनना, मैं इसका आंसर पहले अपनी वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन वो वीडियो के किसी पार्ट का हिस्सा है, लेकिन अब ये वीडियो सेपरेटली इसके लिए है और ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर है। मैं आपको जो भी बताऊंगा फैक्ट और कैलकुलेशन के बेस्ड बताऊंगा, और अगर भी आप फिर भी नहीं समझ पा रहे तो या तो मेरे समझाने में कमी है या फिर आप लोग मुझसे इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा नाम नहीं हूं। और ये याद रखना, हमेशा सच नहीं होता कि जिसका नाम बड़ा हो वो इंसान भी अच्छा हो, ठीक है ना, या वो अच्छा होगा इन द सेंस कि वो सही बता रहा हो, ठीक है। चलो सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं, मान लो नहीं, केवीएस ट्रांसफर 2022 इसके लिए तो मानना है नहीं, ये तो कंफर्म है कि जून में इन्हें निकालना ही पड़ेगा, और इस वीक मतलब मंडे टू संडे बहुत हाई चांस है कि इसके ट्रांसफर फॉर्म रिलीज हो जाए, ठीक है ना। मानो जून में ये फॉर्म निकल गए, जून में ये फॉर्म निकलेंगे, इसका तो ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो अब ये जून में फॉर्म निकल गए, जुलाई अगस्त सितंबर ये मान लो, ठीक है ना, जून में फॉर्म निकले, 3-4 महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और यहां पे इन्हें स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे, समझ आ रहा है, ठीक है। अब जून में अगर फॉर्म निकल गए, जून में फॉर्म निकलेंगे केवीएस ट्रांसफर के, और रिक्रूटमेंट मान लो जुलाई में निकल गई, या 15 जून को ये निकले, 30 जून को रिक्रूटमेंट निकल गई, जो भी हुआ, जो भी सिनेरियो सेट होगा, ठीक है। लेकिन अब आप ये क्यों नहीं देख रहे कि रिक्रूटमेंट और ट्रांसफर दो डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, ये दोनों आप एक दूसरे को डिपेंड नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, सुनने की कोशिश करना, क्यों, क्योंकि इसके फॉर्म निकल गए, 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, रिक्रूटमेंट के जब भी फॉर्म निकलेंगे कम से कम 2 महीने या 1 महीना 1.5 महीना तो आपको फॉर्म फिलिंग का मिलेगा, जुलाई अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उसके बाद 2-3 महीने तो आपका एग्जाम होने में लगेगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर या दिसंबर ये एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा 1-2 महीने में, जनवरी फरवरी फिर आपका इंटरव्यू होगा, मतलब ये एक अलग प्रोसेस है और ये एक अलग प्रोसेस है, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो आप ये मत सोचे कि केवीएस ट्रांसफर पहले आएगा या रिक्रूटमेंट, और ये भी ना सोचे कि ट्रांसफर पहले आएगा तो रिक्रूटमेंट में डिले होगा, क्यों, क्योंकि ट्रांसफर पहले स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा, लेकिन रिक्रूटमेंट की प्रोसेस 6-8 महीने या 10 महीने लेगी, उसके बीच में ही ट्रांसफर एलोकेट हो जाएंगे, समझ आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे आप कि पहले ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट होगी फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकलेगी, क्यों, क्योंकि दोनों अलग सिनेरियो हैं, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों, पहले भी बता चुका हूं। मान लो ये 3 जने ट्रांसफर लेके कहीं जाना चाहते हैं, तो ये जहां भी जाएंगे वो 3 सीट पे ही तो जाएंगे, तो वैकेंट सीट 3 ही रहेगी, चाहे यहां रहे चाहे यहां रहे, समझ आ रहा हूं। अच्छा, एक दूसरा र्यूमर भी आजकल, र्यूमर नहीं सच्चाई है वो तो, लेकिन वो देखो, अब मानो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि फलाने आदमी का ट्रांसफर होने वाला है, ये है वो है, और उस पे मैं कुछ भी मतलब वीडियो बना के वो कर सकता हूं। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं होता, जैसे आपको पता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में ये एक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा थोड़ा है कि जब तक प्रेसिडेंट नया आएगा नहीं तब तक इनके काम पेंडिंग रहेंगे, नहीं ना, तब तक ये करेंगे इनके काम। तो एक कहानी चल रही है और वो सच्चाई है वैसे तो, कि एक आदमी का एक सीनियर पोस्ट है जो रिक्रूटमेंट करते हैं, उनका ट्रांसफर होने वाला, सॉरी उनका रिटायरमेंट होने वाला है, उनके रिटायरमेंट के बाद होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना।
ऐसा मतलब ये फैक्ट है कि रिटायरमेंट होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल तय नहीं है, ना ही उन्होंने कहा अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में, ना ही केवीएस ने कहा ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि उनके रिटायरमेंट के बाद ही करेंगे, समझ आ रहा है। 30 जून को उनका रिटायरमेंट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने हिस्से का काम करके जा चुके होंगे, और जो अब ये थोड़ा ना कि मान लो अगला 3 महीने बाद आएगा, 3 महीने तक उस पोस्ट की कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस बात को अभी ना सोचे, ठीक है ना। इस बारे में ज्यादा मैं कह नहीं सकता, और मैं क्या कोई भी नहीं कह सकता, ठीक है। वो तो कहा जा रहा है क्योंकि सारा खेल हो चुका है भीड़ जमा करने का, ठीक है ना। तो मैं इस प्रोसेस को समझा चुका हूँ कि ट्रांसफर पहले आएगा, रिक्रूटमेंट, इसको आप ज्यादा ना सोचे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मैं और ये देखो, ये अपनी जगह की पहले ट्रांसफर ही आएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर एक इंटरनल प्रोसेस है, और उसे करना जरूरी है क्योंकि जो इम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनके अंदर सिस्टम को लेके आक्रोश या फिर गुस्सा ना हो जाए, और उनकी एफिशिएंसी अच्छी रहे, इसलिए करना जरूरी है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो सर? आप जब इम्प्लॉय बन जाओगे तब आपको समझ आएगा कि ट्रांसफर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें मैंने बताई। दूसरी वाली के बारे में मैं कह रहा हूँ कि उनका रिटायरमेंट कन्फर्म है और रिटायरमेंट होगा, लेकिन ये तो ना तो उन्होंने कहा ना केवीएस ने कहा, बस ये यूट्यूब वाले कह रहे हैं कि उनके रिटायरमेंट के बाद ही होगा जो होगा, ठीक है ना। ऐसा मैं नहीं जानता, ऐसा कहाँ उनसे व्यूज आ रही है, लेकिन चलो जो भी है, ठीक है ना। तो पहली वाली इंफॉर्मेशन बहुत काम की है, इसको पॉजिटिवली ले और तैयारी कर।